लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के कटक संवाददाता हमारे साथी अरूप सामल ने वहां चल रहे मतदान का पूरा जायजा लिया। चुनाव आयोग की हर तरीके से उचित व्यवस्था और पूरी तरीके से लोगों का ख्याल रखने वाला यह अरेंजमेंट चुनाव देने के लिए लोगों को आगे प्रेरित ही करेगा। आपको बता दें कि उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हैं और इसके मद्देनज़र चुनाव आयोग की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था को अरूप सामल ने यहाँ अपने कैमरे में कैद किया। आप देखिए, सजा सवरा यह पोलिंग बूथ हर तरीके से लवरेज है। बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को खेलने के लिए सब कुछ है यहाँ पर, जो एक अच्छे बूथ पर होनी चाहिए। अरूप सामल ने वहाँ पहली बार वोट देने आए लोगों से बातचीत की और सुनिए और समझिए कि आखिर लोकतंत्र के इस मेले में, इस महाकुंभ में लोगों ने किस किस नज़रिए से अपना अपना भागीदारी देना सुनिश्चित किया। यह उड़ीसा के लिए, देश के लिए एक नया रास्ता तय करेगा। यह 4 जून को पता चलेगा कि आखिर लोगों का मत किसके लिए था। देखिए अरूप सामल की वहाँ एक मतदाता से बातचीत। आप आज पहली बार वोट दिए, सो कितना खुश महसूस कर रहे हैं? सो आपको बारे में डिटेल्स बताइए। हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ। हाँ, मेरा फर्स्ट तो एज कितना है आपका? मेरा एज 20 है अभी। हाँ, अभी आप वोट पहली बार दिया मैंने वोट अभी। हाँ, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चुनाव के प्रोसेस में मैं अभी हिस्सा ले रहा हूँ और अपने चाहिदा वाले लोग को, जो भी जिसको भी वोट देके मतलब पसंद है, जो भी उसको देके डेवलपमेंट के लिए, ये भी एक मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है ना ये जो भी। पहली बार जो वोट दे रहे हैं, क्या सोच के दिए? सोच के दिए डेवलपमेंट होना चाहिए यूथ में वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन 5 साल में एक बार चांस मिलता है तो हम लोगों को भी ये मतलब इसमें टेक पार्ट करना चाहिए। सो सही तरीके से आप? जी 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 जी, पापा ने पापा सब बताया ऐसे ऐसे करके वोट देना है, बताया एक रात पहले बैठ के सब ऐसा, तो हो गया ठीक था, बहुत अच्छा था। धन्यवाद।